नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पे। बहराइच के घंटाघर नगर कोतवाली में जिला प्रशासन नहीं करा पा रहा है लॉकडाउन का पालन। प्रयागराज ग्राम प्रधानों पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह की तिथियां 25 और 26 मई घोषित की गई। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी एवं जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा 22 मई को नैनी सेंट्रल जेल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। लखीमपुर खीरी के जरोड़ा मोड़ के पास बारात जाते हुए दर्दनाक हादसा, जिसमें दूल्हे के सगे ताऊ की लड़की नितेश कुमार का हुआ निधन। लखीमपुर खीरी में प्रमुख ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मोहन वाजपेयी ने मुख्यालय पर सभी अखबारों के कार्यालय में जाकर सैनिटाइजर की छोटी जरी केन एवं बोतल उपलब्ध कराई। लखनऊ के माल ग्राम सभा में शनिवार को नव निर्वाचित ग्राम प्रधान श्रीमती संयुक्ता सिंह चौहान जी ने अपने ग्राम सभा की सभी विधवाओं को अपने निज आवास में उपस्थित होकर राशन वितरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के ग्राम कठवारा में पीएचसी का निरीक्षण किया। लखनऊ के ग्राम बसंतपुर में सनी टाइगर ने करवाया हैंडपंप रिपेयरिंग का काम। बहराइच के कोड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आर्य नगर कर्नलगंज मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में आसीवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेज रफ्तार का कहर जारी लखनऊ बांगरमऊ मार्ग पर स्थित गांव मुशीराबाद के समीप हुआ भीषण एक्सीडेंट, जिसमें अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में शहर कोतवाल ने सभी से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में नैनी कसाई मोहल्ले में प्राथमिक विद्यालय कब्रिस्तान के समीप ट्रांसफार्मर में लगी आग। मध्य प्रदेश में सांसद केपी यादव कोरोना के मद्देनजर क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे, तो वहीं सांसद केपी यादव ने ग्राम पंचायत दुकवासा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। बिहार के मोतिहारी जिला के मधुबन टोला मोहनवा वार्ड 1 के रमेश कुमार सिंह का बाइक दुर्घटना में मौत हो गई, वहीं 15 दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। बिहार के मोतिहारा जिले के फेनहरा प्रखंड में सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा सरकार के निर्देशानुसार मई माह का PMJKY और NFCA दोनों राशन मुफ्त वितरण किया जा रहा। बिहार के बेतिया में 24 मई को 44 वाहनी सशस्त्र सीमा बल नरकटियागंज के प्रांगण में 265 नव प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री SK ध्यानी उप महानिरीक्षक क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल बेतिया द्वारा COVID-19 के सुरक्षा पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए किया गया। उत्तर प्रदेश के कोराव प्रयागराज ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मुकेश कोल ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के यहां डोर टू डोर किया जनसंपर्क और लोगों से कहा कि आप लोग आने वाले समय में हमें मतदान कर अपने गांव और क्षेत्र का विकास करवाएं। उत्तर प्रदेश के कोराव प्रयागराज में पेट्रोल पंप पर लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ बरधा में क्षेत्र के विकास पुरुष स्वर्गीय त्रिवेणी राय की मनाई गई 39वीं पुण्यतिथि। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की धरहरा सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा श्रीमती रेखा अरुण वर्मा ने अपने गांव में मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर ग्रामवासियों में जन जागरण किया। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में करीबन 10:30 बजे दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन प्रभाग के पलिया रेंज के अंतर्गत परसपुर बीट में वन क्षेत्र से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर परसपुर गांव के श्री गोविंद तिवारी की गन्ने की खेत में लगभग 4-5 वर्ष के एक नर तेंदुए का शव बरामद हुआ, जिसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो वहीं पोस्टमार्टम के बाद मृत तेंदुए को नियमानुसार फील्ड डायरेक्टर महोदय, स्थानीय लोग एवं अन्य वन कर्मियों की उपस्थिति में पूर्णतया जलाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा थाना क्षेत्र फतेहाबाद में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर ट्रोला खाई में गिर गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं सहसवान में तेज तर्रार उपजिलाधिकारी ज्योति शर्मा ने उल्लंघन करने वाले कपड़े के शोरूम को किया सील। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ अतरौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौली में तैनात स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सुमित कुमार वार्ष्णेय इस वक्त बेहद संकट के समय से गुजरते हुए कोरोना योद्धा के रूप में अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। यूपी के जनपद उन्नाव में पूर्वा थानेदार का युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
उत्तर प्रदेश के इटावा में थाना बलरई क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नगला विशुन में 11,000 की लाइनें टूटने से सरवन सिंह राजपूत की दो भैंसे करंट लगने से मर गईं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में बर्दपुर ब्लॉक के परसपुर गांव में महिलाएं भी अब रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में लगातार सेवा कार्य में लगे हुए एबीवीपी जिला संयोजक आकाश पांडे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली डलमऊ में मौत के सीजन में शादी विवाह के आयोजन हेतु बाजार खुलने की मांग की गई, जिसमें डलमऊ पुलिस की विशेष कृपा के बाद भी उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। यूपी के इटावा में इटावा हेल्प डेस्क ने वैश्विक महामारी कोरोना के भयंकर प्रकोप में भी पीड़ितों की मदद में हर संभव प्रयासरत है। यूपी के इटावा में इटावा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 20 मई को थाना भरतना क्षेत्र के अंतर्गत बच्चे का अपहरण करने वाले तीन अभियुक्तों को मात्र 3 दिन में अपहरण की घटना का सफल अनावरण करते हुए गायब हुए बच्चे सहित अवैध असलाह एवं अपहरण में उक्त प्रेरित मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में कोविड-19 की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं बैठक में सेवरही एवं कपहा में लगी ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी ली गई। प्रदेश के इटावा में जिलाधिकारी इटावा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा जिला कारागार इटावा का किया गया निरीक्षण। बिहार के नरकटियागंज से समीप सिमरा चौक पर राघव शरण पांडे की तरफ से ऑक्सीमीटर प्रदान किया गया। बिहार के हवेली खड़गपुर नगर क्षेत्र के दुलारपुर गांव में शंकर मंडल के घर में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बिहार के भलजोर बॉर्डर पर प्रशासन द्वारा अवैध वसूली का वीडियो हुआ वायरल। बिहार की गंगटी नदी के समीप सड़क हादसे में घटना स्थल पर ही महिला की मौत हो गई, वहीं बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के इटावा में इटावा हेल्पडेस्क ने वैश्विक महामारी कोरोना के भयंकर प्रकोप में भी पीड़ितों की मदद में हर संभव प्रयासरत है। इसी के क्रम में आज आरएसएस के विभाग सह संचालक विनोद चंद पांडे ने इटावा हेल्पडेस्क के द्वारा मंगवाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र के डुमरियागंज के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने संदिग्ध अवस्था में मिला शव, वही सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर स्नूकर खेल रहे 17 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 3 गौवंशीय पशुओं की जलकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में निगरानी समिति के अध्यक्ष सभासद चोगुर्जी मीरा चौधरी की नेतृत्व में आंगनवाड़ी एवं आशा महिलाओं के साथ घर घर जाकर लोगों की थर्मल स्कैनिंग एवं ऑक्सीमीटर से लोगों की पल्स चेक की गई। उत्तर प्रदेश के इटावा में प्रधान संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह सेंगर का स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानों तथा सदस्यों का कराया गया शपथ ग्रहण। देखते रहिए TV1 India News, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर देखें। TV1 India News से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।